नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। पारा शिक्षकों का पारा ठंडा, आंदोलन स्थगित, सरकार ने ली राहत की सांस। स्थायीकरण तथा वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलनरत पारा शिक्षक अब 10 फरवरी को सीएम आवास का घेराव नहीं करेंगे। पारा शिक्षकों ने बजट सत्र शुरू होने की पूर्व संध्या तक अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने रविवार को मंत्री जगन्नाथ महतो की अपील के बाद यह निर्णय लिया। दरअसल चेन्नई के MGM अस्पताल में इलाज करा रहे मंत्री जगन्नाथ ने रविवार को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेताओं से फोन पर बात की। इस क्रम में उन्होंने पारा शिक्षकों से आंदोलन वापस लेने की अपील की। उन्होंने पारा शिक्षकों को आश्वस्त किया कि झारखंड लौटने के बाद पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद सबसे पहले वे उनकी मांगों पर कार्रवाई करेंगे। कहा कि पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान पर वे शुरू से ही सक्रिय रहे हैं। इस बीच कोरोना संक्रमित होने तथा गंभीर रूप से बीमार होने के कारण इसमें देरी हुई है। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे में झारखंड के लोहरदगा के 9 मजदूर लापता, परिजनों की बड़ी चिंता। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना में झारखंड के 9 मजदूर के गायब होने की सूचना मिली है। ये सभी मजदूर लोहरदगा जिले के रहने वाले हैं। घटना के बाद से मजदूरों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इससे परिवार वाले बेहद चिंतित हैं। परिजनों ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर मजदूरों का पता लगाने की गुहार लगाई है। लापता मजदूरों के गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में रविवार को रोठी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इसकी वजह से ऋषि गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। इस बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। पानी के सैलाब में कई लोग बह गए। अब तक 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चमोली के तपोवन में टनल में राहत और बचाव कार्य जारी है। झारखंड में बजट की राशि खर्च करने में हेमंत सरकार फिसड़ी, 50% भी नहीं खर्च कर पाई। झारखंड सरकार इन दिनों नई वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट की तैयारी में जुटी है। 3 मार्च को विधानसभा में नया बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले चालू वित्त वर्ष में हुए खर्चों का लेखा जोखा भी विभाग के अंदर चल रहा है। अधिकांश विभाग बजट में आवंटित विकास योजनाओं के प्रावधान के अनुरूप खर्च करने में फैल रहा है। राज्य सरकार ने 2020-21 के बजट में 48,924 करोड़ रुपए विकास योजनाओं पर खर्च करने का प्रावधान किया था, मगर दुखद बात यह है कि उत्पाद, खेल एवं कला संस्कृति, माइंस सहित सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जिसमें अब तक 10% से भी कम खर्च हुए। हालत यह है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग माइंस के भूगर्भ निदेशालय को आवंटित 18 करोड़ में से मात्र 1 करोड़ रुपये ही खर्च हुए। हालांकि सर्वाधिक खर्च स्वास्थ्य विभाग में 60%, ग्रामीण विकास में 54% अब तक हुआ है, मगर खेल एवं कला संस्कृति में मात्र 5%, परिवहन विभाग में 4% खर्च हुए हैं। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में BBA और BCA की भी शुरू होगी पढ़ाई। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में अब BBA और BCA की भी पढ़ाई होगी। इस पर एकेडमिक काउंसिल ने अपनी सहमति भी दे दी है। अब इस नए पाठ्यक्रम की पढ़ाई को लेकर खाका तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम के प्रारूप को तैयार किया जाना है। इसके साथ ही सीटों की संख्या का निर्धारण भी करना है। इसके अतिरिक्त फीस स्ट्रक्चर भी मंगलवार को होने वाले एकेडमिक काउंसिल की बैठक में चर्चा होनी है, यानी कि आज चर्चा होगी। फिलहाल 3 कॉलेजों द्वारा BBA और BCA की पढ़ाई को लेकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी को प्रस्ताव दिया गया था। अब तक MBA और MCA की पढ़ाई इन कॉलेजों में हुआ करती थी, लेकिन नए सत्र से BBA और BCA की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने रांची में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दिया धरना। झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को रांची स्थित राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना दिया। इनका कहना है कि झारखंड राज्य के गठन के 20 साल बाद भी अति पिछड़ी जातियों को एक साजिश के तहत संवैधानिक अधिकारियों से वंचित किया है। धरना में मोर्चा के सदस्यों की मांग है कि सरकारी नौकरी में पिछड़ों को दिया जाने वाला आरक्षण 14% को बढ़ाकर 36% किया जाए। इसके लिए झारखंड के उच्च न्यायालय और राज्य पिछड़ा आयोग ने सरकार को अनुशंसा की है। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में रोस्टर प्रणाली को सुधारा जाए और जिला स्तर की नौकरियों में वहां पिछड़ी जातियों की आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया जाए। पंचायतों में जहां पिछड़ों की 50% से अधिक आबादी है, उन्हें अति शीघ्र अनुसूचित क्षेत्र से बाहर किया जाए।
चमोली में फंसे झारखंड के नागरिकों के लिए बनाया गया है कंट्रोल रूम। हेमंत सरकार ने जारी किए हैं नंबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के चमोली अपादा में फंसे झारखंड के निवासियों से अपील है कि वे घबराएं नहीं बल्कि अपनी समस्या को साझा करें। इस लेकर राज्य सरकार की ओर से कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। झारखंड के श्रमिक छात्राओं और अन्य नागरिकों को उत्तराखंड के चमोली ग्लेशियर में अगर समस्या हो तो श्रम विभाग के स्टेट कंट्रोल रूम में दिए गए नंबरों 0651249005558528283 और 37 पर कॉल कर समस्या साझा करें। इसके अलावा 5 व्हाट्सएप नंबर दिए हैं 9407013251 36427 36398 36472 और 36432 पर भी संदेश के माध्यम से झारखंड के फंसे हुए नागरिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री जगन्नाथ महतो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, फिलहाल चेन्नई में ही करेंगे आराम। 20 अक्टूबर से चेन्नई स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलाजरत मंत्री जगन्नाथ महतो को सोमवार को ऑर्गन जाँच के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बावजूद रात अस्पताल में ही बिताने के बाद मंगलवार यानी कि आज मंत्री अस्पताल से बाहर आएंगे। इससे पहले डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी होने पर दक्षिण भारतीय पोशाक सफेद लुंगी व कमीज पहने मंत्री को चिकित्सकों की टीम ने गुलाब फूल भेंट कर ऑल द बेस्ट कहा। वहीं इस दौरान मंत्री भी भावुक हो गए और चिकित्सकों की तरफ हाथ जोड़कर कर कहा कि आप सभी ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। मंत्री के छोटे भाई वासुदेव महतो, भतीजा दिवाकर, मंत्री प्रतिनिधि जयलाल महतो, लाकेश्वर महतो आदि भी साथ में थे। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। जमशेदपुर में 7 लाख रुपए की शराब के साथ दो गिरफ्तार, महंगी बोतल में भरते थे सस्ती शराब। अबकारी विभाग ने सोमवार तड़के एक झोपड़ी में चल रहे अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहां से फैक्ट्री के दो केयर टेकर सिद्धेश्वर नाथ और बुद्धेश्वर कालिंदी को गिरफ्तार किया गया। विभाग के मुताबिक यहां महंगी शराब की खाली बोतलों में सस्ती शराब भरकर ऊंची कीमतों में बेचा जाता था। जब्त शराब की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। उधर विभाग की कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया। विभाग को बरमाइंस थाना अंतर्गत करेज कॉलोनी चुना भट्टा कब्रिस्तान के पास अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री होने की जानकारी मिली थी। छापेमारी के दौरान अबकारी विभाग ने झोपड़ी से 144 पेटी नकली विदेशी शराब जब्त की। इसके अलावा घटनास्थल से भारी मात्रा में कॉर्क एवं स्टिकर बरामद किया गया है। उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा पर टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा, प्रशिक्षित शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा से लौटते ही पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान पर फैसला लिया जाएगा। टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलेगा जबकि प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा। सीएम ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को इस संबंध में जरूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा। इसी बीच उच्च स्तरीय कमेटी की आपत्ति पर विधि विभाग ने अपनी राय दी है। विधि विभाग ने कहा है कि टेट पास पारा शिक्षकों को सरकार वेतनमान दे सकती है, प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को वेतनमान पाने के लिए टेट पास करनी होगी। गौरतलब है कि उच्च स्तरीय कमेटी भी टेट पास पारा शिक्षकों को स्थायी करने और वेतनमान देने पर सहमत हो गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उठाया सवाल, सरकार बताइए नियोजन नीति में क्या खामियां थी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य सरकार स्तर से रद्द की गई नियोजन नीति पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नियोजन नीति में क्या खामियां थी, अगर खामियां थी तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। रघुवर ने कहा कि यदि राज्य सरकार को नियोजन नीति में कुछ कमियां दिखी तो उन्हें संशोधित किया जा सकता था, रद्द करने की क्या जरूरत थी। खबर है झारखंड के दुमका से। मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री का आदेश भी हो रहा है बेअसर। सूबे में अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं पर सरकार के आदेश का अवहेलना करने और लोगों को सुविधाओं में कमी करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब तो सूबे के मुख्यमंत्री का आदेश भी बेअसर होता दिख रहा है। बीते दिनों निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों के यूनिफॉर्म में न दिखने पर अस्पताल अधीक्षक से नाराजगी जाहिर की थी और सोमवार से सभी डॉक्टरों को यूनिफॉर्म पहनकर आने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी सीएम के आदेश पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से बाकायदा नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका कर सभी डॉक्टरों को यूनिफॉर्म पहनकर आने का निर्देश दिया, लेकिन डॉक्टरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और सोमवार को अस्पताल में डॉक्टर बिना यूनिफॉर्म के ही दिखे। आदेश का पालन नहीं करने पर अस्पताल प्रबंधक फिर से नोटिस जारी करेगा। देवघर और दुमका से 13 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार,
केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। शनिवार को देवघर साइबर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर सरवां, सारठ और दुमका से 13 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 17 मोबाइल, 30 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड सहित 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल विभिन्न बैंकों के ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर लोगों को केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करता था। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।